पैट हो तो वीडियो, अगर मेरे चैनल पर न्यू तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज, आज का वीडियो एक R15 वर्जन 2 पे, जो हम लोग ने एक साल पहले बनाई थी, उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था एंड हम लोग ने फिर से उसको पूरा कंप्लीट रिबिल्ड किया। आप लोगों को बाइक एक बार चेकआउट कराता हूँ मैं। सो ये है वो बाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है रेक्सा 2.0। बेसिकली हम लोग ने इसको रेक्सा 2.0 के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया था, जिसमें आपको R3 और R15 वर्जन 1 एंड 2 का फ्यूजन देखने मिलता है, और वर्जन 3 का भी, मतलब इसमें आपको सारे इंस्टिक मिल जाएंगे यामाहा के, चाहे वो R3 ले लो, R15 V1 ले लो, V2 ले लो एंड V3 ले लो, सारी इसमें आपको थोड़े बहुत चीज़ें देखने मिल जाएंगे, थोड़े बहुत कस्टम पार्ट अपने इसमें इंस्टॉल किए। सो एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ कि बाइक का क्या है, मतलब वापस से हम लोगों ने इसको क्यों बिल्ड किया। तो आज से करीब 6 से 7 दिन पहले अपने पास ये बाइक आई थी एंड इसका पूरा कंप्लीट एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसका टेल पैनल जो है टूट चुका था, और यहाँ से टूट चुका था, तो हम लोगों ने टेल पैनल रिप्लेस किया। टैंक में यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आया था, टैंक को हम लोगों ने रिपेयर कर दिया है एंड रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा फिर से ना इसका पेंट जॉब हुआ है। तो इस बाइक का एक्सीडेंट ना बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सिर्फ इसका पीछे का टेल पैनल टूटा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट था, आप लोग को चेक कराता हूँ मैं। और टूटा भी कैसे, खाली जो आप इसका होल्स रहता है ना जहाँ पे बैठता है, वहाँ पे वही चीज़ खाली टूटा, बाकी सब कुछ प्रॉपर है। और मानोगे नहीं, बहुत ही रफ एक्सीडेंट हुआ था इस बाइक का एंड इसका जो फ्रंट से ना पूरा ये टायर अंदर चले गया था, जो इसका सस्पेंशन है वो पूरा बैंड हो चुका था, पट्टी लोअर टी सबका अलाइनमेंट ख़राब हो चुका था एंड फ्रंट का ये वाइजर भी टूट गया था। तो हम लोगों ने वो चीज़ रिप्लेस कर दी, इंडिकेटर्स रिप्लेस कर दी। तो अभी आप लोगों को एक एक करके चीज़ बताता हूँ कि इस बाइक में हम लोगों ने क्या क्या इंस्टॉल किया है, और मतलब अगर आप भी चाहते हो कि रेक्सा 2.0 के प्लेटफॉर्म पर बाइक बिल्ड करना है तो आपको कितना मिनिमम बजट चाहिए। सो ये कंप्लीट एक बाइक है एंड इसमें आपको फ्रंट से बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको R3 का आपको जो है प्रोजेक्टर वाले मतलब हेडलाइट देखने मिल जाएंगे। फ्रंट का पूरा यूनिट है वो R3 एंड V3 का फ्यूजन है। ऊपर का जो पोर्शन देख रहे हो ये V3 का है, मतलब आपको खाली R3 का चाहिए तो R3 का भी लगा सकते हो एंड V3 का चाहिए तो V3 का भी, मतलब जो फ्यूजन वाली चीज़ है वो भी कर सकते हो, जिसमें हम लोगों ने DB वाइजर इंस्टॉल किया है एंड साइड में हम लोगों ने कस्टम पैनल बिल्ड किया था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन एंड यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, मतलब ये दो पोर्शन हम लोगों ने कस्टम बिल्ड किया, क्योंकि ये हेड लगाने के बाद आपको यहाँ पे गैप दिखेगा जो बॉडी और हेड के बीच में रहेगा, वो फिल करने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर डिज़ाइन करके ये वाला पोर्शन बनाया था, और काफ़ी अच्छा दिखता है ये पोर्शन। आप खुद देख सकते हो कि मतलब यार मैच हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है कहीं अलग से टिकटमबाजी करके वहाँ पे लगाया गया। ये पूरा फाइबर ग्लास से बना है। इसमें हम लोगों ने साइड पोर्शन देख सकते हो, ये वाला पोर्शन, ये कम्प्लीटली हम लोगों ने R15 वर्जन 1 का लगाया है, और इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वर्जन 1, 2 एंड 3 का फ्यूजन है ये। एंड ये जो फ्रंट में आप मडगार्ड देख रहे हो कि 2 का पीछे का, इसको कट करके आगे KTM ड्यूक 250 का मडगार्ड हम लोगों ने यहाँ पे फ्रंट में फिक्स किया है, और अंडरबेली कस्टम डिजाइन अंडरबेली जो काफ़ी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड है, आप देख सकते हो, इससे बाइक का लुक एकदम भरा भरा लगता है, काफ़ी बल्कि अंडरबेली है ये, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कितनी लंबी है, और ये कस्टम पूरी डिज़ाइन है, अंडरबेली वन ऑफ ए काइंड है, और खाली एक ही है क्योंकि हम लोगों ने इसको एक ही बनाया था एंड वही बाद में एक बंदे ने सेल कर दिया था जिसको मैंने पहले दिया था, तो मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें टैंक कवर इंस्टॉल किया है। ये टैंक कवर आप आराम से कोई भी बाइक में लगा सकते हो, स्पेशली R15 वर्जन 2 में एकदम ईजिली बैठ जाता है ये, और टैंक एंड टेल आपको दोनों मिल जाएगा। अगर आपको कलर में चाहिए तो कलर में मिल जाएगा, विदाउट पेंट चाहिए तो विदाउट पेंट में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जो मुझे आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा वहाँ पे आप जो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको दोनों चीज़ वहाँ पे देखने मिल जाएगी, टैंक एज वेल एज आपका जो है टेल पोर्शन है। तो यहाँ पे टेल पोर्शन में भी हम लोगों ने ये कंप्लीट टेल पोर्शन चेंज किया, क्योंकि जो एक्सीडेंट हो गया था बाइक, तो टेल पोर्शन इसका ब्रेक हो गया था, और साथ ही मैं इंडिकेटर चेंज किया, टेल टाइडी चेंज किया। आपको पीछे से इसका लुक चेकआउट करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका पीछे से लुक कुछ हैवी सा लग रहा है, क्योंकि आपको पीछे से टायर्स जो है ना एकदम ब्रॉड दिखेंगे। जो टायर्स हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किए 180 सेक्शन के वाइट टायर्स है, एंड इसकी थिकनेस एक बार आप चेक करो, काफ़ी ज़्यादा थिक टायर है ये 180 सेक्शन के टायर्स है। एंड ये जो आप यहाँ पे देखोगे एग्जॉस्ट, तो ये टायर्स हम लोगों ने ना करीब 6 से 7 महीने या तो 1 साल के ऊपर हो गया बाइक बना के, तो उस तब लगाया था एंड अभी तक टायर्स चल रहे, तो सेकेंड हैंड टायर्स की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और अभी तक चल रहे, मतलब बहुत ही अच्छी बात है वो। और साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने इसमें एक्रापॉय का एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया था, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट से बैंड पाइप के साथ आता था ये पूरा एग्जॉस्ट, हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया था। और साइड का पोर्शन आपको मैंने कंप्लीट बता दिया। फ्रंट में टायर्स हम लोगों ने 120 सेक्शन के लगाए थे, वो भी अभी तक चल रहा है, एक्सीडेंट के बाद भी टायर फटा नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार जिस तरीके से बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ना, आगे से पूरी खत्म हो चुकी थी, तो आगे का पोर्शन उन्होंने कम्प्लीटली फिर से बनाया है। अभी यहाँ पे सवाल उठता है क्या इसमें मिरर्स लग सकते कि नहीं, तो मिरर्स का ऐसा है कि अभी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रंट का पूरा फिर से, ये जो आप दो पोर्शन में देख रहे हो हम लोग इसको सिंगल पोर्शन में करने वाले, बहुत जल्द आपको रेक्सा 3.0 में पता चलेगा।
और स्पेसिफिकली इस पर जो पेंट जॉब हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर आपको गोल्डन स्पार्कल दिखेगा, ये देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा पेंट जॉब हुआ है इस पर और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो ग्लॉसी है इस पर। और फ्रंट में यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ आप देख रहे हो, इसमें हम लोगों ने डीबी वाइजर लगाया, ये R15 वर्जन 3 का ही डीबी वाइजर है, तो इसमें कंप्लीट वो पोर्शन इंस्टॉल किया है। और साइड से भी आपको ये साइड से भी चेकआउट करें तो अंडरबेली का क्या शॉट है, तो इस तरह से भी हम लोगों ने अंडरबेली को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया कि स्टैंड भी कुछ दिक्कत ना दे और काफ़ी पीछे से लंबा है, वहाँ तक ये पूरा देख सकते हो आप। और ये साइड का पैनल सेम R15 वर्जन 1 का है, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो R15 वर्जन 1, और पीछे जो आप टायर के पीछे आप देख रहे हो ये R15 वर्जन 2 का है, मतलब टोटल एक फ्यूजन वाली बाइक हम लोग ने ये बनाई थी। तो और इसका जो आउटकम है आपको खुद को मालूम है कैसा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला अपनी रेक्सा 2.0 कैसी लगी थी। और मॉक्सी के लीवर्स हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया था जो अभी तक काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं एसेसरीज के जो अच्छे खासे चल जाते हैं, तो वो हम लोगों ने इंस्टॉल की थी। अब रही बात कॉकपिट की, तो सबसे अच्छा सवाल है कि भाई कॉकपिट कैसा दिखता है इसका, तो यहाँ पे आपको चेकआउट कराता हूँ। ये जो डैशबोर्ड है R15 वर्जन 2 का ही है, एंड गैप देखो भाई, कुछ गैप नहीं है इसमें, यहाँ पे आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ मैं। ये देख रहे हो एकदम प्रॉपर है ये, यहाँ पे आपका हेड आ जाएगा, जैसे R15 वर्जन 2 में फिटिंग आती है सेम वाला फिटिंग इसमें हम लोगों ने कर दिया है। और फ्रंट का ब्रैकेट हम लोगों ने इसमें चेंज किया क्योंकि यार इसमें R3 का हेड बिठाना था, तो हम लोग को वो चीज़ चेंज करना पड़ा। बाकी ओवरऑल बाइक का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और रही बात आपको अगर बाइक में से कोई भी एसेसरीज चाहिए या तो कोई भी बॉडी किट चाहिए अंडरबेली को छोड़ के, क्योंकि अंडरबेली हम लोग के पास एक ही है, दूसरी तरीके की मिल जाएगी बट ये वाली एक ही है। और अभी इसमें से अगर आपको हेड चाहिए रहेगा, साइड पैनल चाहिए रहेगा, टैंक एंड टेल चाहिए रहेगा, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, टैंक एंड टेल लेना है तो आपको जो है अभी कॉम्बो ऑफर अच्छा मिल जाएगा वहाँ। एंड गाइस इस बाइक का आपको एक बार मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ मैं, ये जो आप साउंड सुन रहे हो ये विद डीबी किलर है, एंड विदाउट डीबी किलर का आवाज़ अलग है, एंड डीबी किलर भी निकालेंगे नहीं क्योंकि यार आजू बाजू परेशानी होती है उसके लिए। तो ये था इसका एग्जॉस्ट का साउंड, तो मतलब यही पूरा आज का कंप्लीट वीडियो था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।